Hi friends, good morning. Welcome to my Hindi blog channel. मेरी गला का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, पूरा चोक्ट हो गया है. तो बातें कर रही हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है. और इसको देखो, अभी भी सोए हुए हैं. इतना ठंड लग रहा है ना कि कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है. और आज तो कौनक दीदी नहीं आने वाली है, वो 2 दिन का छुट्टी लिया है. कल एक दिन था और आज एक दिन, अगले वाले कल से वो आएगी. सो फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगी, वो है पता नहीं मेरी वीडियोस में क्या गलती होता है कि व्यूज़ नहीं बढ़ता, आई मीन व्यूअर्स नहीं बढ़ता. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखते हो, 5 या 6 मिनट तक देख के छोड़ना, उसके पहले मत छोड़ दीजिए. उसके पहले छोड़ने से ना व्यूअर्स नहीं होता और वॉचिंग टाइम भी नहीं बढ़ता, तो कुछ भी नहीं होता एक्चुअली. और मैं तो पहले भी बताई हूँ कि जो भी गलती हुआ है वीडियो के अंदर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए. आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं सुधरूंगी कैसे. और आज जो वीडियो मैं छोड़ी, ज़रूर देखना. और वो वीडियो कैसे लगी वो ज़रूर बताना. और इसको देखो, हर टाइम या पपी नहीं तो किटन, इन दोनों को लेकर क्या क्या करता है देखो. अब हम सब मिलके एक संग जा रहे हैं बाजार. और बाजार जानी नहीं पड़ेगी क्योंकि घर के सामने से ही मैं बाजार कर रही हूँ. यहाँ पर जो है वो ही ले लूँगी. और ना सब्जियाँ बहुत ही फ्रेश लेकर आते हैं ये भैया, और दाम भी बहुत ज़्यादा लेता है. हर टाइम तो मैं पहले कुकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद नहा कर पूजा देती हूँ. तो आज सब काम लेट ही होगा क्योंकि बहुत लेट करके ही हम लोगों का सुबह हुआ है आज. इसीलिए पहले मैं नहा लिया, पूजा कर लूँगी, उसके बाद कुकिंग की साइड जाऊँगी. सो पहले आप पूजा करना है तो आज आप पूजा कर लूँ. और आज तो ट्यूसडे है, पता ही है आप लोगों को ट्यूसडे वाला पूजा, तो चलो कर लेते हैं. চরিতে দশমীর ভিতর পূর্ব দিনে নিরামিষ খাবে একবার, এই বলতে করবে শুধু মঙ্গলবার. अब मैं पढ़ रही हूँ मंगल चंडी व्रत कथा. ये पाठ मैं हर मंगलवार को करती हूँ.
पूजा कंप्लीट करके आई हूँ किचन पे। अब बना रही हूँ आलू फूल गोभी का सब्जी। एक्चुअली मेरा वॉइस इतना चोक्ड हो गया है ना, बातें करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। इस चॉपर से ना बहुत ही स्मूथ चॉपिंग होता है। ऑनियन, चिलीज, टमाटर, आज मैं टमाटर चॉप किया, बहुत ही फाइन चॉप हुआ है। देखो मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मैं स्वेटर पहन लिया। हाय, गुड आफ्टरनून। आज तो 8 बजे दोपहर के 2 मैं अपना बना रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया है। क्या करें, हो जाएगा अभी अभी, क्योंकि एक ही सब्जी बनाना है। आलू फूल गोभी का एक सब्जी बनाऊंगी और चावल, और कुछ नहीं। और कल का जो है उसी से हल्के का हो जाएगा, लेकिन अभी भी बना नहीं है। इतने टाइम तक हम लोगों का लंच कंप्लीट हो जाता है, और अभी भी आज कुकिंग कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखो अभी भी मैं कंबल ओढ़ के सोई हूँ, इतनी ठंड लग रही है मुझे। अभी तो मैं उठी नहीं, वहाँ पर अकुल ड्राइंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर जाके वहाँ पर कार्टून देख रहा है, दोनों एक संग कर रहा है। अब मैं उठूँगी, उसके बाद इवनिंग का टिफ़िन, चाय पानी सब करना है, संध्या पूजा भी करना है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा गोलपाड़ की वहाँ जाना है। मैं ना वही सोच रही हूँ सोते हुए कि आज जाओ या नहीं जाओ। इतनी ठंड लग रही है ना, कहीं जाने का मन नहीं कर रही है। उसको देखो, मैं भी जाऊँगा गोलपाड़। जहाँ पर जाओ इसको लेकर जाओ। हाँ, एक आते हैं, मैं अभी अभी अकेला घर का इंसान नहीं हुआ। ज़्यादा ज़्यादा बातें करता है। तो चलो उठ के किचन पे जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ मेरी किचन पे इवनिंग का टिफिन बनाने के लिए। एग्जॉस्टर खुले दिया है जाए। अब मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, दूध कॉफ़ी, और बनाऊंगी पॉपकॉर्न। ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये पूजा के पहले ग्रॉसरीज में लेकर आई थी, लेकिन ये बड़ा वाला पैकेट है, इसलिए काटे नहीं कि ज़्यादा लोग आएगा तो तब काटूंगी। ये करते करते 2 महीने तो गुजर चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि आज काट ही डालूँ, जो होगा देखा जाएगा, खा लेंगे हम लोग। यही टिफ़िन होगा, और कोई टिफ़िन वगैरह नहीं बनाऊँगी, इसको ही बनाऊँगी कॉफ़ी के संग, ये खाना है। तो चलो बनाते हैं कॉफ़ी और पॉपकॉर्न। अब बनाऊंगी पॉपकॉर्न। आप लोग कैसे बनाते हैं पॉपकॉर्न को? मैं बनाऊंगी ऐसे। देखो, खाली प्रेशर कुकर को यूं ही ओवन के ऊपर बिठा दिया। प्रेशर कुकर के अंदर कुछ भी नहीं है, दिखा रही हूँ। ये देखो, प्रेशर कुकर पूरा खाली है, इसको बिठाई यहाँ पर थोड़ी सी गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद इसमें डाल दूंगी पॉपकॉर्न को। और ये रहा मेरा पॉपकॉर्न का पैकेट,
मेरे प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है, अब इसको काटना है। थोड़ा सा गर्म होने से ही हो जाएगा काज काम। अब डालना है इसको इसके अंदर। ये देखो कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉपकॉर्न को यहाँ पर डाल दिया। अब इसको ढक दूंगी। अब प्रेशर कुकर को ऐसे ही ढक के फ्लेम को हाई करना है। मैं थोड़ा सा हिला दूंगी, नहीं तो पूरा हिलेगा नहीं। अब बनेगा यहाँ पर पॉपकॉर्न और मैं बनाऊंगी यहाँ पर कॉफ़ी। चलो बना लेते हैं कॉफ़ी। बहुत ही टेस्टी मिल्क है। ये मिल्क पाउडर खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। देखो आवाज आ रही है ना फूटने का, फूट रहा है, मिल्क फट रहा है। वो फट के फ्लैट जैसा हो जाएगा, बन जाए। बहुत सारी है ना, वही रिस्क लग रही है कि आप इस छोटा वाला प्रेशर कुकर पे होगा क्या। नो आइडियाज। देखो कितना सुंदर बन चुका है ऑलरेडी पॉपकॉर्न। ये देखो पॉपकॉर्न। सुबह तो बाजार नहीं कर पाई, सामने से ही वो ठेला से ले लिया कुछ बाजार, इसीलिए संध्या को आ गई संध्या बाजार में। मेरी घर से थोड़ी सी दूर है स्टेशन के पास। ये बाजार में ना सब सब्जियां बहुत ही फ्रेश मिलता है और रिजनेबल भी है, इसीलिए आ गई हूँ बाजार में थोड़ा सा बाजार करने के लिए। आज तो मैं पूरा हफ्ता का बाजार कर लूंगी, सुबह उठ के और बाजार नहीं जानी पड़ेगी। आज हम चारों बैठ के बहुत सारी बातचीत किया, बहुत अच्छी भी लग रही थी। बाजार से आकर टायर्ड लग रही थी बहुत। दिया कॉफ़ी बनाई और हम चारों एक संग मिलकर पिया और बहुत सारी बातचीत किया, तो बहुत फ्रेश भी लग रही थी।
अब तो जा रही हूँ डिनर का प्रिपरेशन, आई मीन डिनर बनाने के लिए। मैं तो थोड़ी सी गई थी बाज़ार, गई थी बाज़ार करने के लिए। उस टाइम पे दिया ने आलू का सब्ज़ी बना लिया और यहाँ पर लूची बनाऊंगी। लूची का जो डो है वो बना के रखे हैं, देखो। सो अब मैं और दिया मिलके लूची बनाऊंगी। चलो लूची बनाते हैं। अब तो दिया जा रही है घर, क्योंकि बहुत रात भी हो चुका है इसीलिए ये घर जा रही है। और मैं सी ऑफ करने के लिए आ गई हूँ, आई मीन ताला खोलने के लिए आ गई हूँ। अब तो डिनर विनर सब कंप्लीट, तो आज जल्दी जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एडिटिंग भी करके रखी हूँ, तो एडिटिंग के पीछे ज़्यादा टाइम आज स्पेंड नहीं होगा। और आकुल को देखो। सो आज का वीडियो मैं यही पर एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना, एकदम मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।